हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, क्योंकि आज हम उठने में थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हमने रात में थोड़ा लेट सोए थे। सो जल्दी से हम फ्रेश अप वगैरह हो लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे घूमने। मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया, जैसे ही वो आएगा सो हम चलते हैं घूमने। तो चलिए फिर हम चलते हैं घूमने। सो हाय गाइस, हम फटाफट से नहा धो के रेडी हो चुके हैं और फिर हम जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं घूमने क्योंकि मेरा दोस्त रितेश भी आ चुका है और फिर हम उसके साथ चलते हैं जल्दी से घूमने। फाइनली गाइस, हम यहाँ गणेश उद्यान के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मास्क लगाना कंपलसरी है, इसलिए हम मास्क लगा रहे हैं। यहाँ पे बिना मास्क के घूमने दे रहे हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त देश, और यहाँ पे हम घूमते हैं। बहुत बड़ा है ये गार्डन, तो अभी यहाँ आगे चल के आपको दिखाते क्या क्या है, इसमें क्या क्या नहीं है। फाइनली गाइस, आप देखते हैं गणेश उद्यान कितना बड़ा है। अभी हम इसको पूरा घूमेंगे एक तरफ से। सो फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने मस्त बढ़िया सा सीन चल रहा है। ऐसे मतलब सर्दियों में ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे धूप आती है ना, तो बैठने में मस्त मस्त आता है, मज़ा आता है। कितना अच्छा सा डेकोरेशन है, कटिंग वटिंग बढ़िया कर रखी है यहाँ पे, पेड़ पौधे होगा कि। फाइनली गाइस, यहाँ पे जनवरी का एंड चल रहा है और मैं यहाँ पे येलो हुडी पहन के आऊँ तो बस छोटे 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 बहुत सारे मच्छर लगे हुए हैं। हम गाड़ी पे आए तो गाड़ी में भी बहुत सारे मच्छर लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कितना मस्त अच्छा अच्छा अच्छे से कटिंग कर रखी है यहाँ पे लोगों ने। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे देखिए, जैसे यहाँ पे नाम लिख रहा है तो अलग 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 बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लायक, जिसमें भी हम घूमेंगे और आगे भी चल के। यहाँ पे टिकट विकेट कुछ भी नहीं है, फ्री है यहाँ पे, और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, देखने लायक है। फाइनली यहाँ पे हम घूम रहे थे इतेश्वर में, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी। देखिए यहाँ पे लिख रहा है माउंट, माउंट यानी कि ये पहाड़ी। यहाँ पे कैमरा ऑन करा तो लिख रहा है माउंट और यहाँ से इसका रास्ता दे रखा है, तो हम ऊपर चल के देखते हैं कि क्या चीज़ है यहाँ पे। मतलब घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे थोड़ा सा नया ही बना है क्योंकि यहाँ पे पहले सिर्फ यहाँ पे टेम्पल था और अभी को बनाया गया है, तो यहाँ पे हम दोनों। सो यहाँ पे हम हितेश और हम यहाँ पे दोनों के दोनों घूमने जा रहे हैं। तो पीछे देखो बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है, शानदार मस्त। फाइनली अगर यहाँ से ये पहाड़ी का रास्ता है, यहाँ पे कोई आके थक जाता है तो यहाँ बैठने के लिए जगह बन रही है, जैसे यहाँ पे और एक और जगह है जो थोड़ी दूर है वहाँ पे, जो हम अभी वहाँ जाएंगे। और यहाँ पीछे रास्ता है यहाँ से जाने का, तो हम धीरे 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 यहाँ से जाएंगे अभी, ताकि क्योंकि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ता रहा तो हम गिर नहीं जाए इसलिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना डिफिकल्ट रास्ता है जाने के नीचे। तो अभी हम हितेश और हम दोनों एक साथ यहाँ से धीरे धीरे हाथ पकड़ते जाएंगे, क्योंकि एक जना गिर जाए दूसरा जना संभाल लेगा, दूसरा जना गिरेगा तो पहला जना संभालेगा, इसलिए चलते हैं। फाइनली गाइस, हम यहाँ पे चलते हैं धीरे धीरे। अरे भाई बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, पैर कहाँ रखूँ यहाँ से, यहाँ पर भाई रुक जा, मेरे को छोड़ के मत जा, धीरे धीरे, हाँ आराम से रुक जा भाई, कहाँ से जाना है, पकड़ पकड़ पकड़, अरे गया चलो चलो चलो।
धीरे 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 तो फाइनली हम यहाँ नीचे आ चुके हैं और हम दोनों में कोई भी नहीं गिरा है, लग भी नहीं हमें कहीं पे भी। लिटरली हम पहाड़ी नीचे आ गए और यहाँ पे गए जनवरी के महीने में इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, और यहाँ पे हम पानी लाना भूल गए हैं और हम देख रहे हैं कि आसपास बहुत सारी जगह कहीं पे भी पानी नहीं है, कहीं पर भी। तो अभी जहाँ तक हम थोड़ा कम ही घूमें कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी देर घूम घुमा के हम घर के लिए निकल जाएंगे। सो फाइनली गाइस हम यहाँ पे घूमते आ रहे थे तो हमने एकदम से देखा कि ये जो खेत सा लग रहा है लेकिन खेत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, गोल्डन डंटा। सो ये सब मतलब क्या होता है थे। सो गाइस अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसके डरंटा का मतलब क्या होता है। गोल्डन यानी तो हमें याद, लेकिन डरंटा का मतलब नहीं पता। सो हंसी तो आ रही है लेकिन फिर देखते हैं अगर क्या है। सो अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। जब हम छोटे थे बचपन में तो हमें बहुत अच्छा लगते थे झूले, तो फाइनली हम यहाँ पे फटाफट से झूल के अंदर जाते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पे हमारे लिए कोई झूला निकला तो जरूर नहीं। सो फाइनली हमने यहाँ पे देखा था गाइस कि ना अगर होता तो हम जरूर जाते, लेकिन यहाँ पे ताला लग रहा है तो हम अंदर जा नहीं सकते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे झूले तो दिख रहे हैं अंदर से। सो फाइनली हम यहाँ पे आगे और चलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो हम जल्दी से घर पे भी आएंगे। लिटरली गाइस हम यहाँ पे चल रहे थे आगे, चलते चलते हमें यहाँ पे दिखाई दिया, आई थिंक सो यहाँ पे हाँ इसका काम चल रहा था पहले, लेकिन फिर यहाँ पे बंद कर दिया गया लॉकडाउन की वजह से। तो शायद है ना इतिश यहाँ पे काम बंद कर दिया ना, फिर वापस स्टार्ट करेंगे है ना। तो फिर जब और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा तो देखने में और मज़ा आएगा, वैसे भी बहुत ही अच्छा है। तो आई थिंक गाइज यहाँ पे ये वाटर है थोड़ा सा जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे मेडिकेशन सेंटर है अगर यहाँ पे किसी को घूमना है तो। अभी हम आगे चलते हैं, आगे जाके देख। सो गाइस हम बहुत देर से चल रहे हैं और चलते चलते अब हमें फाइनली यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिली है जो कि बहुत अच्छी है देखने में। यहाँ पे पेड़ों की छाया आ रही है तो अब हम यहाँ पे बैठ के 2-5 मिनट रेस्ट करते हैं, हम वापस से स्टार्टिंग करेंगे। सो फाइनली गाइस हम यहाँ पे घूमते घूमते थक गए तो अब हम यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ हितेश जी मोबाइल चला रहे हो आप मोबाइल क्या चला रहे हो, मतलब मोबाइल के 2 मिनट भी नहीं छोड़ते आप मोबाइल चलाते थे बिल्कुल। सो अब हम थोड़ी देर बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बड़ी गर्मी हो रही है और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थक गए, तो 2-5 मिनट बाद हम वापस से स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली गाइस हम यहाँ पे घूमते 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 यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे इसके हम एक बार पहले भी आ चुके तो यहाँ पे पहले पानी था लेकिन अभी नहीं है। तो यहाँ पे तो कितने अच्छे अच्छे गार्डन है बीच में और यहाँ छोटे छोटे एनिमल लगा रखे बच्चों खेलने के लिए। सो अभी हम बड़े हो गए लेकिन वो कहते ना कि कितने बड़े जाए लेकिन बच्चों को अपना बचपन नहीं भूलना चाहिए, वैसे अभी हम भी बचपन में ही जी रहे हैं। थोड़े हम बड़ा तो हो गए लेकिन हमें बचपना नहीं छोड़ना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे अच्छे अच्छे एनिमल्स लगा रखे हैं बच्चों के खेलने के लिए। सो फाइनली गाइस हम यहाँ पे घूम लिए और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जाते साथ हमने देखा यहाँ पे कितना मस्त प्रवेश द्वार है, द्वार के लिए ऐसे ही यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से एंडिंग हो रही है। तो जैसा कि हम यहाँ से इसके अंदर से जा रहे हैं और यहाँ पे हितेश जी आगे चल रहे हैं और यहाँ पे मस्त अच्छे से डेकोरेशन है। यहाँ पे अपन चाहे तो हितेश फोटो खींचा सकते हैं। यहाँ पे हम तेजी घूम रहे हैं और यहाँ पे ये एंडिंग हो चुका है तो यहाँ पे हम चलते हैं। वैसे हम बहुत लेटर थक भी गए हैं क्योंकि पानी की यहाँ पे कमी थी और पानी है नहीं। सो फाइनली यहाँ से हम चल रहे हैं और यहाँ पे हितेश ने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी तो अभी यहाँ पे हितेश जी ने अपनी गाड़ी निकाल रही है और अब हम बैठ के चलते हैं घर पे। सो फाइनली गाइस अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और बीच में हमें कुछ काम था तो हमने पहले वो कंप्लीट करा, उसके बाद फिर अब हम चलते हैं घर। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।